रहा, मैंने मस्त करके इसको बैठा दिया हूँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मेरा गांव का घर में जाकर बैठा दूंगा। तो मैं ना एक बात समझ रहा था कि ये जो घर के अंदर हम लोग पेड़ रखते हैं और ये जो बाहर का पेड़ रखते हैं, ये दोनों, इन सब का तो जान है, तो ये दोनों क्या कहते हैं एक दूसरे को? बाहर का पेड़ बोलता है तुम घर के अंदर रहते हो, कितना आराम आयश है, सुंदर परिवेश है, कोई तुमको नहीं तोड़ेगा, पानी देगा अच्छा करके। और घर का पेड़ बोलता है कि तुम बाहर रहते हो परिवेश के अंदर, कितना सुंदर परिवेश। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन का शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव प्रॉमिस लेकर कि आज और कल मैं पूरा दिन पेड़ों के साथ बिताऊंगा, कुछ पेड़ लगाऊंगा, कुछ पेड़ का परिचर्या में समय दूंगा। तो आज और कल पूरा दिन और एडिटिंग वेडिंग है सब, एडिट बहुत सारा एडिट करूंगा। तो यही आज दो दिन का प्रॉमिस है। तो या क्योंकि इस कुछ दिन देख रहा हूँ इतना सारा चारों पेड़ कटिंग हो रहा है, हमारे घर के पास ही पूरा पेड़ सब सफाई कर दिया, तो बहुत बुरा लगता है देख कर। तो इसलिए जितना हो पाए एक दो पेड़ ही हो पाए घर के अंदर, क्योंकि हम तो बाहर रहते हैं, तो वही परिचर्या करेंगे जितना हो पाए। तो या क्योंकि 100 नहीं होने से एक होना अच्छा है। तो या मैं तो यही समझता हूँ, जितना हो पाए, अगर एक पेड़ भी हो पाए घर के अंदर लगाऊंगा। तो गाइज आज बाहर जो रोद उठा है ना, क्या बोलूँ, मतलब सनलाइट से चारों ओर मतलब आंख जल जा रहा है, ऐसा सिचुएशन है। इस तरफ देखो, माय गॉड, अभी 11:30 समथिंग बज रहा है और आसमान देखो मतलब, और बंगाली में इसको भाद्रो मास का रोद बोलते हैं, तो इतना सनलाइट है, इतना क्या बोलूं, ओ वाओ, बहुत ही नेक्स्ट लेवल, बहुत ही रोद है आज बहुत ज़्यादा। विंटर के पहले ये जो सनलाइट होता है ना, इसमें भाई जो ब्लैंकेट होता है वो सब इसमें इस रोद में देते हैं। तो हम जब गांव में रहते थे, हमारा छाद में सब आकर देता था ब्लैंकेट। तो हाँ, इतना रोद है। तो या भाई साहब, या ये जो बेल फूल का पेड़ था भाई, इतना सुंदर लग रहा है, लगाया था, वाओ, इतना सनलाइट, मैं जब खोल रहा हूँ ना आग जल जा रहा है, ओ माय गॉड। इस तरफ भी देखो, वाओ, इसमें ना मैं टॉप में लगाने के बाद फ्लावर नहीं हो रहा है पुरुष प्लांट पे, क्या बात, समझ नहीं पा रहा है। अब सबसे और एक बात शेयर करना था जो मैंने सीखा, ये जो सनलाइट होता है ना, सनलाइट में हर दिन 10 मिनट खड़ा रहने का एक बोलता है हर एक डॉक्टर। देखो डिम हो जा रहा है, तो हाँ बहुत ही अच्छा होता है अगर आप 10 से 12 मिनट खड़ा रहो तो, या शरीर में विटामिन डी फिर से आ जाता है। तो हाँ, तो इसीलिए हर दिन 10 से 12 मिनट योगा करो। या फिर आज का इस खाने में मम्मी ने यहाँ पे कद्दू का सब्जी बनाया है, कुमड़ो और छौंक का, जिसके अंदर बॉम्बे का कद्दू और हमारा वेस्ट बंगाल का कद्दू, जो रेड कलर का कद्दू है ना वो बॉम्बे का कद्दू है, और हमारे यहाँ का जो वाइट कलर का कद्दू है वो दोनों मिक्स करके किया है। और यहाँ पे मैं कोचुरमुखी मछली देकर बनाया है, जिसको कोचुरमुखी बोलता है, मैं नहीं जानता नाम क्या है। तो चलो मैं खा लेता हूँ खाना ना। अब सबके पास बंगाली खाना को तुल के धरना चाहता हूँ, उसके लिए बंगाली जो नाम है वही बोलूँगा, तो बंगाली कल्चर को तुल के धरने के लिए। तो बिना कोई देरी करके जल्दी खा लेता हूँ। तो मामी अभी उस तरफ एक अंकल काम कर रहा था, पानी देकर आया, तो उस अंकल ने ये देखो एक कोचू दिया है, तो छोला कोचू, इसका लोटी खाया जाता है, पाता, उसके बाद शागे, इसको कहते हैं कोचू। तो या बहुत ही टेस्टफुल होता है बंगाली खाना, मछली के साथ भी करा जाता है। तो या चलो, वो भी देखो कितना क्यूट एक बहन है, हर समय देखता है सोन सर का बेटी, भाई बहुत क्यूट है, ओ, देखो। तो 2 घंटे से भी ज़्यादा एडिट कर रहा था और भी काम था, तो अभी बहुत थक गया, अभी दोपहर का 3 बज गया। तो चलो थोड़ा सा बाहर से टहलाते हैं भाई, क्या बोलूँ, काम तो कर रहा हूँ पर फल नहीं पा रहा हूँ, होपफुली कृष्ण जी फल देगा मेरा। तो हाँ, जितना परिश्रम मैं कर रहा हूँ,
आप सब में से कोई कोई बोल रहे थे मैं एक्सपोर्ट कैसे करता हूँ, या पे जाकर हाई क्वालिटी फूड के ये करता हूँ और नेम कुछ देकर ये एक्सपोर्ट ऑप्शन। तो या तो आज हमारा एसी सर बायोलॉजी का सर पढ़ने आए हैं, मेरा वन ऑफ द फेवरेट सर, भाई को पढ़ने आए हैं, उसके साथ दोस्त दोस्त भी है। अभी देखो कितना सुंदर हवा हो रहा है, वाओ इन दोनों का मस्त है, सो कर रहो हर समय। वो देखो आ रहा है भाई, मैं चला जाता हूँ। वो और मेरा अनार पेड़ में भाई एक फ्लावर आया है, वो देखो, वाओ फ्लावर आते ही जा रहा है। मैं केला का छिलका का जल और खोल भेजाना जल देता हूँ ना, तो इसीलिए मतलब प्रकृति का जो सौंदर्य है ना, कोई भी नहीं इसके साथ जीतेगा। तो इस तरफ देखो रोड, ओह माय गॉश। और पापा भी आ गए हैं काम से, वाओ। ओ भाई इस तरफ देखो बोतल में क्या करके दिया है, ये है रीयूज। टाइम फुल होता है ना वो, आप सब भी ऐसे ही करो, हमारा राउंड इधर नहीं करा है। चलो देख, मम्मी देखो इसके नीचे जो सब्जी का खोसा होता है ना वो देता है कंपोस्ट के लिए। मैं कहा था ना हफ्ता में एक एक दिन ये जो स्पाइडर प्लांट है इसको मैं बाहर रखता हूँ, जिससे एक थोड़ा देर रोद में रखता हूँ सनलाइट में, तो क्योंकि घर के अंदर ना अच्छा नहीं होता है। तो हाँ जैसे ये सब बाहर कितना अच्छा है देखो, वैसे ही इसको थोड़ा देर बाहर रखता, आप सब भी ज़रूर रखना। और अभी ना भाई फ़ोन किया था, उसके घर में आज बोरो ठाकुर का पूजो है तो निमंत्रण कर रहा था आज, तो या पापा को। और ये गैस लाइट देखो कितना क्यूट सा है, वाओ। और जय बोलो, ये पेड़ भाई बहुत नेक्स्टेबल लग रहा है, सनलाइट में बहुत देर ही रखा तो। हाँ और आज ना घर पे हमारा शोभिता दीदी घर पे नहीं है, बापिर बड़ी गया है दादू को अकेले रखकर, और शोभिता दीदी दादू का कोई बेटा बेटी नहीं है। देखता हो बेटा बेटी नहीं है तो हर समय रोता है, बोलता है नहीं है, पर हम लोग बोलते हैं कि हम तो है, हम तो आप सबका बेटा बेटी नाती पूती है। तो या मेरा मम्मी पापा बोलता है, सब भी बोलता है आसपास का। तो या मैंने कैसे लाइफ देखो दोनों का, इस पृथ्वी में कृष्ण जी या फिर गॉड हर एक चून का लाइफ में ट्रेजेडी देकर पठाते हैं। तो हाँ प्रकृति, इसको ही कहते हैं प्रकृति। हमारा केस, हमारा एसी सर बायोलॉजी का पढ़ाया तो हाँ दिखाना, तो सर भाई बहुत गुस्सा करता है। दोपहर का खाने में मम्मी ने मेरे लिए गरम गरम भात करके दिया है दोपहर के खाने में, मतलब मम्मी देखो ये कहता है प्यार, भात थोड़ा सा था। और ये पे मैं कोचू का तरकारी है जो मेरा और मम्मी का बहुत फेवरेट है, तो कोचू का ये अलग अलग। तो आप सभी जानते हो कि मैंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में जियोलॉजी में करा था, तो मेरा दोस्त दिगंतो ने मॉपअप राउंड के लिए भी देखो अप्लाई करके एक क्या बोलूँ एक अप्लाई कर दिया है वो उसका घर से। तो मैंने कहा कि कर दो तो कर दिया, मैं मतलब दोस्त हो तो ऐसा, तो वो कर दिया है खुद से, तो बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा। और कुछ दिन पहले मेरा मौसी का बेटी काकुली का बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे बोला था, मेरा एक दोस्त आर्जो का था, हैप्पी बर्थडे बोला था। तो इस समय तो बहुत सारे लोगों का हैप्पी बर्थडे हो रहा है, और मेरा दोस्तों का तो बाहर है, देखो कितना सारा लोगों को स्टेटस, ओ माय गॉड, रोहित से शुरू करके ओर्नो, प्रीतम, सब फराना, ओमियो, बहुत सारा। तो आज गाइस मम्मी ने मस्त चाउमीन बनाया है, चाउमीन के अंदर बॉरबोटी दिया है और अंडा दिया है। तो किसी भी भाई आप तरकारी बोलो जो भी बोलो, अगर प्याज दे दो ना मेरा फेवरेट हो जाता है, और आज नेक्स्ट लेवल करके दिया, मेरा लिए अलग से कट देता है क्योंकि एक साथ अगर बहुत सा करो ना तो ख़राब हो जाता है, पापा मम्मी के लिए अलग से करता है। तो चलो मस्त खा लेता हूँ, मेरे लिए एक अंडा, पापा मम्मी के लिए एक अंडा, तो या चलो नेक्स्ट लेवल लग रहा है।
और आज हमारा दादू दीदा दोनों में से कोई भी घर में नहीं ही है, घूमने गए हैं। और हमारा पिंकी आंटी भी गया है, भाई का एक एग्ज़ाम है। दादा तो खड़गपुर में रहता है, खड़गपुर IIT में। तो या तो मैं ना सोच रहा था, आंटी ने बोला था ये जो पेड़ है ना, इसको क्या कहते हैं, एक पेड़ और इस तरफ है एडेनियम, और इसको एक क्या पेड़ बोलते हैं, येलो येलो फ्लावर होता है। तो सबसे थोड़ा थोड़ा कटिंग लूँगा, दो दो करके, इससे दो, इससे दो, इससे दो। तो चलो लेते हैं। अभी ना छोटा सा एक एलोवेरा पेड़ भी है, तो थोड़ा सा एलोवेरा भी ले लेता हूँ। तो चलो आज भाई बहुत ही सुंदर सनलाइट हुआ है, तो हाँ, और घर में जाकर कटिंग दिखाता हूँ। चलो तो मैंने यहाँ पे दो एडेनियम का कटिंग लेकर आया है, एक बड़ा सा एक छोटा सा। तो हाँ, और यहाँ पे जो योलो एलामांडा का होता है ना, उसका भी दोनों प्लांट, मतलब दो कटिंग लेकर आया है। और इसको क्या कहते हैं नहीं जानता, कोई क्रिसमस ट्री बोलता है होपफुली। तो ये भी कुछ कटिंग लेकर आया, अभी बाली कोकोपीट मिट्टी में मिलाकर सबको बैठा दूंगा। तो यार एलोवेरा भी, जिससे रूटिंग हार्मोन का काम चल जाए। तो यार इस तरफ का हालत देखो। तो आज सुबह का खाने में मम्मी ने मस्त यहाँ पे मोचा का घोंटो किया है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट, जो केला का फूल होता है ना उसका। तो और यहाँ पे है मस्त कुलपो शाक, जो बहुत ही एक हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो बाहर टेबल में जाकर खा कर आता हूँ। तो हाँ चलो, मैं घर में एडिट कर रहा था, मम्मी दिखा गया। अपने आज सुबह, आज 7 बजे उठा था, बेडशीट में धो के दिया था, तो अभी मैंने बाहर मेल के दिया, तो घर में था। तो चलो मौसम कितना सुहाना है देखो आज, वाह। चलो अभी काम करते हैं घर में जाकर। इसको कहते हैं रीयूज। ये जो एक बोतल था बिस्लरी का, मतलब ये फेंक देने से प्लास्टिक का वेस्ट होता, पर मैंने ऐसे एक टॉप बना दिया काट कर। और यहाँ पे मैंने बाली यूज़ करा है, भीम शबन का जो है ना बाली, जो जो छोटा है वो सब बाली के अंदर दूंगा एलोवेरा देकर, ये बड़ा वाला इसके अंदर दूंगा मिट्टी देकर, मिट्टी कोकोपीट देकर। तो देखते हैं कौन सा होता है। तो हाँ, मैंने यहाँ पे होपफुली 60-70% कोकोपीट लिया, थोड़ा मिट्टी भी है, बाली लिया 20% या फिर 30% बोल सकते हो, 10% ये लिया, ये नीचे दूंगा। तो मस्त करके बैठा देता हूँ ये मेरा बड़ा वाला। तो हाँ, इसके लिए अलग से परिचर्चा, और सेम ही शेड में रखूँगा जहाँ पे सुबह का धूप लगता है। तो यूट्यूब में आप सब पा जाओगे, एडेनियम सर्च करोगे तो। और एक चीज़ ये जो है ना भाई, इसका ना छोटा सा देखो फ्लावर हो रहा था, मैंने अभी देखा, मैंने ना ये देखो पत्ता यहाँ पे दे दिया। तो जो भी हो, अभी मस्त सन अभी भी है, इस दिनों देख रहा हूँ इतना सनलाइट हो रहा है, क्या बोलूँ। तो चलो, ये थोड़ा सा बाहर रखा था मनी प्लांट, मैंने बाली थोड़ा सा कम दिया था, उसके बाद वो कोकोपीट मिट्टी थोड़ा थोड़ा देकर मस्त मिक्स करके बैठा दिया हूँ। अभी एलोवेरा से डुबा डुबा कर इसके अंदर बैठा देता हूँ, और ये सब भी इसके अंदर बैठा देता हूँ। तो हाँ, यही है प्लानिंग। तो चलो, हमारा रानू दीदा। तो मैं ना यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, ये जो एलोवेरा है इसके अंदर डुबा डुबा कर ऐसे करके ऐसे लगा दे रहा हूँ। और सेकेंड जो काम कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके, मैंने यूट्यूब में वीडियो देखा था, ऐसे ऐसे करके एक दो लगा रहा हूँ। तो या चलो, और इसके अंदर अच्छे करके लगा कर इसमें बैठा देता हूँ। चलो, ये देखो नेक्स्ट लग रहा है ना तो मेरा यहाँ पे हो गया है, ये देखो कितना सुंदर करके। और ये जो मैंने एल्युमिनियम का लगाया था ना, इसके अंदर नीचे काट कर दिया, तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल लग रहा है। और मैं जो पानी दूंगा ना इसके अंदर, वो भी भाई एलोवेरा थोड़ा थोड़ा करके देकर उसके अंदर दूंगा। और ये वाला सबसे नेक्स्ट लेवल लग रहा है। तो बारिश का सीजन है, आप सब भी ऐसे ही करके पेड़ लगाओ, पेड़ जितना हो पाए। तो या मैंने मस्त करके तो लगा दिया, इसके अंदर जो एलोवेरा जेल का पानी था वो दिया, और इसके अंदर सिर्फ ये पानी दूंगा। तो ये वाला को इस तरफ रख देता हूँ, और अच्छा करके पानी देता हूँ। चलो, पानी देकर सोच रहा हूँ कि केरी पैकेट से ढक दूंगा, तो देखता है। तो या और मेरा स्पाइडर प्लांट को इस तरफ रखा हूँ, बहुत ही नेक्स्ट लेवल लग रहा है ये ना। इस समय पानी कम दो, पानी ज़्यादा देने से ना पच जाता है। तो हाँ, एक मैंने सीखा।
एक ही बात समझ नहीं पाता कि ये पेड़ में फ्लावर क्यों नहीं हो रहा है, वो एक होकर रखा है। तो जिस समय होता है भाई, उस समय गुलदस्ते की तरफ हो रहता है पूरा फैला हुआ। आप सबने इसलिए पिस्ते का वीडियो देखा था, तो या चलो होपफुली होगा कुछ दिन में ही। और मेरा एक इच्छा है कि मेरा एक घर होगा, उसके बगीचा में ये पिंक फुरूश येलो पिंक, उसके बाद पर्पल वाइट रेड सब फुरूश का प्लान चार माथा में होगा। तो ये एक अच्छा प्लान है मेरा। कब होगा देखते हैं, होने का चांस भी बहुत कम है तो देखते हैं, होगा तो ज़रूरी। और आप सबको दिखाया था ना, ये जो लगाया था क्रिसमस ट्री, देखो दोनों ही सूख गया, कोई जड़ नहीं निकला क्योंकि मिट्टी ज़्यादा हो गया था। तो इसमें एक पपीता पेड़ लगा दूंगा। तो यहाँ पे हुआ है एक पपीता पेड़, इसको तोड़ूंगा, तोड़ के लगाऊंगा। तो हाँ चलो, तुलसी पेड़ भी हुआ है एक, पर ये फ्लावर सबसे सुंदर है, मेरा सबसे फेवरेट। पी रहा मैंने मस्त करके, इसको बैठा दिया हूँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मेरा गांव का घर में जाकर बैठा दूंगा। तो मैं ना एक बात समझ रहा था कि ये जो घर के अंदर हम लोग पेड़ रखते हैं और ये जो बाहर का पेड़ रखता है, ये दोनों, इन सब का तो जान है, तो ये दोनों क्या कहते हैं एक दूसरे को? बाहर का पेड़ बोलता है तुम घर के अंदर रहते हो, कितना आराम आयश है, सुंदर परिवेश है, कोई तुमको नहीं तोड़ेगा, पानी देगा अच्छा करके। और घर का पेड़ बोलता है कि तुम बाहर रहते हो परिवेश के अंदर, कितना सुंदर परिवेश, पूरा खोला खोला हुआ है। पर देखो कोई भी किसी भी जगह पे खुश नहीं रह पाता, पर आप जब जो प्रेजेंट में है उसमें खुश रह पाओगे तब लाइफ में सब अचीव कर पाओगे। तो हाँ, जो जिस सिचुएशन में खुश रहो। घर का जो पेड़ है वो बाहर आज़ाद नहीं हो पाता, और बाहर का बड़ी पेड़ जो कोई किसी भी समय काट देता है। हर जगह प्रॉब्लम है, हर जगह कुछ अच्छा अच्छा बात है, पर प्रेजेंट में जो भी सिचुएशन हो अच्छे से रहो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू, डन आज का काम। रेगुलरली मैं ये सब काम करने के बाद मस्त नहाता हूँ, तो अभी मस्त नहाते हैं चलो, और इसको एक कैरी पैकेट से ढक दूंगा। तो चलो, मैंने ना एक छोटा सा चंद्रमल्लिका का ये लेकर आया हूँ, तो ये भी इसके अंदर बैठा देता हूँ, हो जाएगा अच्छे से, बैठा देता हूँ चलो। और हमारा इस घर में तो टीवी नहीं है, तो मम्मी का फेवरेट शो है दीदी नंबर वन, बार करके देता हूँ, हर समय देखता है। तो या ये लो, हर रोज़ पूरा समय देखता है हमारे रोचना दी। चलो, तो आज का इस खाने में हुआ, आज का इस खाने में दोपहर में खाने में हुआ है, मम्मी यहाँ पे बोल रहा है कि ये मुखी कोचू है और ये छोला कोचू का डाटा बाटा, मतलब मैं ये सब नहीं जानता, बाटा भाजा किया है। तो मम्मी छोला कोचू एड़े कोचू कितना कोचू होता है बंगाली में, आई डोंट नो। तो या वो सब हुआ है आज। तो मैं अभी कर रहा था एडिटिंग, तो बाहर एक मस्त चीज मम्मी कर रहा है, चलो दिखाता हूँ। और मम्मी अभी पटल आलू और टोमेटो का एक मस्त करी बना रहा है, मेरा फेवरेट, रात का खाने में रोटी देकर मस्त लगता है। तो या है ना मम्मी। तो अभी गाइस एडिटिंग ख़त्म, अभी एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट करने के लिए फाइल में जाना पड़ेगा, फाइल से पहले सेव कर लेता हूँ और उसके बाद एक्सपोर्ट, उसके बाद मीडिया, और यहाँ से मैं करूँगा हाई क्वालिटी 4K, और अगर आप लिखने चाहते हो तो लिखो और एक्सपोर्ट, ऐसे करता हूँ एक्सपोर्ट। यह है प्रीमियम प्रो में। तो ये ना घर में आने के बाद एक दो दिन बाद से, आज से मतलब जिस दिन आया उसके बाद के दिन से कोई भी काम नहीं कर रहा है, कोई भी मच्छर कुछ भी नहीं मर रहा है, बहुत ही बेकार एक सवान है। तो पापा ने रिप्लेसमेंट का ऑप्शन चूज़ किया, क्योंकि पैसा ज़रूरत नहीं है, हम लोगों का चाहिए एक अच्छा प्रोडक्ट। तो उसके लिए बॉक्स के अंदर अच्छे से पैक करके फिर से रख देता हूँ। चलो, ये जो प्रोडक्ट है ना, क्वालिटी भाई अच्छा है ओडोमॉस कंपनी का, पर ये काम नहीं कर रहा है, वो फुली कोई डिफॉल्ट है। तो आप सब पास में तो देख ही पा रहे हो, पापा ने बोला कि इसको, मतलब मैंने ही सोचा कि काम नहीं कर रहा है तो रिप्लेसमेंट ही करता हूँ। तो रिप्लेसमेंट का रिटर्न नहीं, रिप्लेसमेंट का ऑप्शन ही चूज किया। कुछ दिन पहले हमारा घर के पास वो है गक्कू का, मतलब रिया काकी मैं भी कर रहा था एक साड़ी, तो उससे इंस्पायर्ड होकर यूट्यूब में देखा और कर रहा हूँ। तो चलो होपफुली कर देता हूँ, पैक टैक अच्छे से करके रख देता हूँ, जब आएगा लेकर। मतलब एक दो दिन हो रहा था अच्छे से, मर रहा था, पर उसके बाद से चार्ज दो कोई काम नहीं कर रहा था। तो मम्मी यहाँ पे मस्त रोटी कर रहा है और मुझे डांट रहा है। 12th का स्टूडेंट का यही काम है, कॉलेज जाने के पहले मम्मी पापा का डांट सुनो और सो वो, तो और मैं एडिटिंग भी करता हूँ। तो या
बाहर में हटने आया था उस घर में हर रोज भाई गाना चलाता है जोर से, होपफुली सुन पा रहे हो, बंगाली हिंदी जिस भी समय बोलो रोड पे हटो, उससे हेल्थ ठीक होगा। मैं तो रेगुलरली यहाँ पे हटता हूँ, कैटवॉक करता हूँ, वो जो मॉडल जैसे हटता है ना वैसे, तो हाँ बॉडी एक्सरसाइज भी होता है। चलो हटते हैं। चे आमी हारिए जाबो, हारिए जाबो आमी तुम्हारे साथे। तो उस घर में गाना चल रहा है, उसके साथ मम्मी गा रहा है आज उन चेज एक बंगाली सॉन्ग। मायरे को तुम्हारे हाथे। आज गाइस रात का खाने में हुआ है, मैंने 3 रोटी लिया क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जी हुआ है पटल आलू और टमाटर। देखा और यहाँ पे पापा ने केला दिया है, तो मस्त खाते हैं रात का खाना भाई। मम्मी का हाथ का ये खाना हो तो और क्या चाहिए, आई लव दैट। तो या सिंपल है बट बहुत टेस्टी होता है। तो मैं खाने के बाद फिर से रोड हट रहा था, तो इन दोनों को देखा सोया हुआ है। देखो और ये वाला जो है ना, ये भाई बहुत भूखता है रोड से जो भी जाता है। आज देखो चुपचाप से सोया हुआ है, सबको भूखता है। तो यहाँ रोड देखो कितना और हाँ पाइपलाइन होगा बेसिकली, उसी लिए खोड़ा हुआ है। तो यहाँ और देखो रोड कितना सुनसान है, एक दो अर्की जा रहा है। पर एक चीज़ अच्छा है, हमारे घर के सामने एक मंदिर है काली माता का। तो रोड देखो पूरा सुनसान, वो वाला मंदिर है ना बहुत एक सुंदर काली माता का। इन सब लोगों के लिए कुत्ते भौंकते हैं, वो वाला भी है गार्ड देता है ये जो जगह है। और सामने का घर का आंटी ना हर एक दिन खाने देता है इन सबको ब्रेड, शॉप है उन सबका चाय का। तो चलो अभी घर में जाके एडिट करूँगा भाई। तो अभी 1:04 हो गए, अभी मेरा एडिटिंग ख़त्म हुआ आज का, तो रास्ता में बोला पर अभी ख़त्म हुआ, तो अभी सोऊंगा, 2 दिन तो बच जाएगा। मैं अच्छा प्रॉपरली वीडियो का एंड करता हूँ, होप आप सबको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड एज ऑलवेज स्टे काइंड हम्बल एंड ग्रेटफुल बिकॉज यू आर ह्यूमन बीइंग, नेवर फॉरगेट दैट। मेरा कुछ दिन बाद ही है कॉलेज में एडमिशन, जाऊँगा वार्षण गवर्नमेंट कॉलेज में, और एक देखता हूँ कल या परसों एक या फिर कुछ दिन बाद दादा बोधी में जाने का इच्छा है, या फिर कालियापुर से, या फिर कुछ दिन बाद एक चैलेंज वीडियो करने का इच्छा है, तो देखते हैं कब होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। ये वीडियो बेसिकली था पेट टेट के साथ बिदाना बाहर का दिखाना था, बाय। आप सब मेरा वीडियो नहीं देखते हो ठीक है, मैं मेरा जड़ को शक्त कर रहा हूँ, अगर रूट स्ट्रांग रहे तो पेड़ बहुत अच्छा रहेगा, मेरा चैनल भी। तो यहाँ I feel